किसान विरोधी कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने, मजदूर विरोधी लेबर 4 करोड़ रद्द करवाने, जन सेवाओं के विभागों को निजी घरानों को सौंपने, रेगुलराइजेशन की स्थायी नीति बनाने, जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ कर्मचारियों एवं मजदूरों के संयुक्त आह्वान पर विरोध प्रदर्शन संयुक्त रूप से हिसार के लघु सचिवालय में किया गया। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। जो देश की मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून लागू किए, उनको लेकर के आज पूरे देश में सर्वक्रम संघ हरियाणा और अखिल भारतीय कांग्रेस फेडरेशन के आह्वान पर ये लागू कार्यक्रम को लेकर हमने आज जिला मुख्यालय का घेराव किया है, क्योंकि देश की मोदी सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर ये कार्यक्रम लागू करेगी, क्योंकि ये कानून लागू होने के बाद में किसानों की जो खेती है बर्बाद हो जाएगी और किसान मतलब भुखमर के कगार पर आ जाएगा। आज लगातार 47 दिन से किसान दिल्ली पर घेरा डाले हुए बैठे हैं। सरकार बातचीत के समाधान करने की बजाय उनको उल्टा मतलब ही बदनाम कर रही है। ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलाइट हैं, या किसी देश से किसी से पूंजीपतियों से उनको मतलब सहायता मिल रही है। एक्चुअल में रियलिटी में किसानों की जो दुर्दशा है वो सरकार समझ नहीं रही और पूंजी अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मतलब कानून लागू करी है। जहां तक ये 3 काले कानून है, एक चौथा कानून और भी है, पावर बिल 2020। सरकार पावर बिल 2020 को लागू करने के बाद आज पूरे देश की बिजली का जो सिस्टम है वो प्राइवेट हो जाएगा और आम आदमी को बिजली का जो हमारा उपभोक्ता है उसको महंगी बिजली मिलेगी। इस बात को लेकर के हमारे 4 कानूनों को लेकर के आज हमारा विरोध है। साथ ही हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि कर्मचारियों संबंधित मांगें हमारी हैं, जिसमें हमारा DA जो खरीद किया है सरकार ने, लगातार 3 हमारी किस्तें रोकी है, हमारी LTC रोकी है, उसके बाद कच्चे का पक्का करने की मांग है, न्यू पेंशन स्कीम लागू बंद करने की बात है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी दूसरी मांगे भी हैं, नई भर्ती की हम मांग कर रहे हैं सरकारी महकमों में। आज उसको लेकर के ना पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आज तमाम जिला मुख्यालयों का घेराव हम कर रहे हैं। आज सर्वक्रम संघ हरियाणा का आह्वान और CIT हमारे साथ में सहयोग के तौर पर आए हैं।